हेलो दोस्तों, मूवी जेट प्लेन में आप सभी का स्वागत है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ से हमें एक और ट्रेलर देखने को मिला है, और वो जिस मूवी का ट्रेलर देखने को मिला है उस मूवी का नाम है दी मार्वल्स। आप सभी को बता दूं कि पहले इस मूवी का नाम कैप्टन मार्वल 2 था, लेकिन बाद में इस मूवी का नाम को चेंज कर दिया गया। अब उन्होंने ऐसा किस लिए क्या मुझे नहीं पता, शायद ये वजह हो सकता है कि कैप्टन मार्वल को लोग काफी ज्यादा हेट करते हैं इसीलिए। चलो बात करते हैं ट्रेलर के बारे में, ट्रेलर मुझे कैसा लगा और ट्रेलर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिला। ट्रेलर का स्टार्ट होता है निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो से, जहां हम देखते हैं कि निक फ्यूरी स्पेस स्टेशन पर है, जिसका नाम ट्रेलर में साइबर स्टेशन बताया गया है। और यहां निक फ्यूरी और मोनिका रैम्बो किसी चीज को जांच करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तभी ही मोनिका रैम्बो की बॉडी स्वैप कर जाती है मिस मार्वल से। अब देखो, बॉडी स्वैप करने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने मिस मार्वल सीरीज देखा है तो आपको पता ही होगा। उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ऐसा दिखाया गया था कि कैप्टन मार्वल की बॉडी स्वैप कर गई है मिस मार्वल से, मतलब जहां कैप्टन मार्वल है वहां मिस मार्वल चली गई है, और जहां मिस मार्वल थी वहां कैप्टन मार्वल आ गई है। और यही चीज इस मूवी का प्लॉट पॉइंट होने वाला है, जिसके इर्द गिर्द पूरी मूवी की स्टोरी लाइन होगी। और पूरी मूवी में हम इसी चीजों से डील करते हुए देखेंगे कि ये लोग आखिर लास्ट में ठीक कैसे होते हैं। तो इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं मोनिका रैम्बो और निक फ्यूरी को, जो लोग अर्थ पर आते हैं और मिस मार्वल के घर जाते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि क्या इस मूवी की स्टोरी सीक्रेट इन्वेजन से पहले की है या फिर बाद की है। और अगर बात की स्टोरी है तो हमें इसमें बहुत बड़ा स्पॉइलर मिल गया है, और वो स्पॉइलर ये है कि निक फ्यूरी मरेगा नहीं सीक्रेट इन्वेजन में। मतलब जब से सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर आया था, लोग ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है कि उसमें निक फ्यूरी का मौत हो जाए, लेकिन अगर ये उसकी बात की कहानी है तो फिर ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो निक फ्यूरी हमें दिख रहा है वो एक स्कल हो। अब इन सारे चीजों का जवाब तो हमें मूवी देखने के बाद ही मिलेगा। हाँ, तो जब निक फ्यूरी और कैप्टन रैम्बो कमाला खान के घर जाते हैं तो उनके फादर और मदर को भी देख सकते हैं हम। इसका मतलब ये है कि हमें उनको भी दिखाया जाएगा मूवी में, लेकिन मुझे लगता है कि उनका रोल बस इतना ही होगा जितना हमें ट्रेलर में दिखाया जा रहा है। उसके बाद कैप्टन रैम्बो मिस मार्वल को बताती है कि हमारे पावर का क्रॉस कनेक्शन हो गया है, जिस वजह से हमारी बॉडी स्वैप कर रही है। और एक्साइटमेंट में आकर कमाला खान बोलती है कि मैं तुम्हें अपने पावर का डेमो दिखाऊं, और वो अपने पावर को यूज करने लगती है, जिस वजह से फिर से उसका बॉडी स्वैप हो जाता है। लेकिन इस बार वो कैप्टन मार्वल से स्वैप करते हैं उसका बॉडी, और कैप्टन मार्वल वहां आ जाती है। और मिस मार्वल क्री के शिप पर चले जाती है, जहां हम देख सकते हैं कि क्री के गार्ड उस पर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद दिखाया जाता है इस ट्रेलर का बैंगर शॉट, मतलब बैंगल शॉट, मतलब इस मूवी के विलन को दिखाया जाता है हमें, जिसके हाथ में बिल्कुल मिस मार्वल के जैसा करा है या बैंगल है, आप कुछ भी कहो, और वो उस बैंगल के हेल्प से इन तीनों के साथ एक साथ फाइट कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमें कैप्टन मार्वल के पावर को टोन डाउन करते हुए दिखाया जाएगा। मतलब यार, इस बंदी ने अकेले थानोस के पूरे शिप को बर्बाद कर दिया था, और कुछ वक्त के लिए थानोस को भी अकेले संभाल लिया था, और ये इस मूवी के विलन से फाइट नहीं कर पा रही है, इसके लिए इसके दो और बंदे की जरूरत पड़ रही है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसके पावर्स को हमें टोन डाउन करते हुए दिखाया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने पहले भी ऐसा देख रखा है जहाँ सुपर हीरो के पावर्स को टोन डाउन किया गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा हल्क वर्सेस थानोस, जहाँ बेचारे हमारे हल्क को कुत्तों की तरह पिटवाया गया था थानोस से। चलो अभी पॉइंट पर आते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि इस मूवी में जो विलन का रोल प्ले कर रही है वो मार्वल में ही लोकी का रोल प्ले करने वाले एक्टर की वाइफ है, मतलब टॉम हिडलसन की वाइफ है, जिनका नाम जुई एस्टॉन है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके हाथ में कड़ा कैसे आ गया। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मिस मार्वल से कड़ा को छीन लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक सीन में हम देख सकते हैं कि मिस मार्वल के हाथ में भी कड़ा है और इनके पास भी एक कड़ा है, और ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। हो सकता है जो इस मूवी में जुई एस्टॉन का जो कैरेक्टर है वो दूसरा कड़ा लेना चाहता है, इसीलिए वो इन तीनों से फाइट कर रही है। और मैं होप कर रहा हूँ कि इसमें हमें बैंगल की ओरिजिन स्टोरी को बताया जाएगा कि आखिर वो कहाँ से आई है, और क्या उनसे कोई कैंग का कनेक्शन है या फिर नहीं। बात करें कि ट्रेलर मुझे कैसा लगा, तो मुझे ट्रेलर एवरेज लगा, मतलब मुझे इसमें कुछ खास चीज देखने को नहीं मिला। बाकी ये जो अभी सिर्फ टीजर था, ट्रेलर आना बाकी है, इसके बाद ही हम इस मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी आप बताओ कि आपको टीजर कैसा लगा, और अगर आपकी कोई थ्योरी है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो मुझे। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।